गाइस वेलकम टू माय चैनल डी मिस्टिफायर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो शुरू करने से पहले आप ये कार्टून देख सकते हैं। इस कार्टून को स्केच करा था शंकर ने और इसका नाम है डोंट स्पेयर मी शंकर। द फेमस स्केच बाय शंकर अपीयर्ड ऑन द कवर ऑफ हिज कलेक्शन डोंट स्पेयर मी शंकर। द ओरिजिनल स्केच वॉज ड्रॉन ऑन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना पॉलिसी बट दिस कार्टून कैप्चर्स द डुअल रोल ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देखिए हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूँ इस कार्टून को एक्सप्लेन करने के कॉन्टेक्स्ट में। कांग्रेस जो था, जब इनिशियल ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस थी ना, वो एक बहुत ही वास्ट पार्टी थी। उसमें आपको सोशलिस्ट भी मिल जाते, कैपिटलिस्ट भी मिल जाते, कम्युनिस्ट भी मिल जाते, यू नो लिबरल्स भी मिल जाते, कंजर्वेटिव्स भी मिल जाते, हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो थे वो कांग्रेस में आपको ऑलरेडी मिल जाते थे, कांग्रेस मेंबर्स मिल जाते थे। तो इस कारण से होता ये था कि कांग्रेस में ऑलरेडी इतने अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट थे कि ऑपोजिशन के लिए फिर कोई जगह ही नहीं बचती थी। ऑपोजिशन था ही नहीं उस टाइम पर, कुछ नेग्लिजिबल ऑपोजिशन था। तो ऑपोजिशन कोई भी पॉइंट अगर उठाना चाहे भी तो वो ऑलरेडी यू नो पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस हो रहा होता था, क्योंकि कांग्रेस में हर तरीके के लोग थे। हमने अगर आपको मतलब ये हो कि क्योंकि 1885 से कांग्रेस बनी थी ये, इसने पूरा नेशनल मूवमेंट को लड़ा था, फाइट करी थी, कांग्रेस जो है वो फोर फ्रंट में थी। तो इस वजह से पहले कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पहले कांग्रेस एक ऐसी ग्रुप देखा जाता था जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला रही है, जिस वजह से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जा रहे थे कि यार इससे तो हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी। ये एक तरीका है कि फोर फ्रंट में आकर एक स्टेज मिल रहा है हमारे ओपिनियंस को यहाँ पर कहने का कांग्रेस के थ्रू। तो इस वजह से कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स पार्टी थी। तो कांग्रेस में ऐसा होता था कि कांग्रेस खुद भी रूलिंग पार्टी थी और ऑपोजिशन भी खुद कांग्रेस ही थी। तो इस कारण से ये जो है ये स्केच जो है वो कांग्रेस के डुअल रोल को एक्सप्लेन करता है। ये कैसे कांग्रेस है जो आगे बढ़ रही है और कांग्रेस ही उसको पीछे खींच रही है। पीछे खींची मतलब कांग्रेस के लोग हैं जो कोई भी अगर मतलब कुछ कांग्रेस के मेंबर्स कुछ लॉ बनाना चाहते हैं तो दूसरे कांग्रेस के मेंबर्स ही है जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये उस रोल को कैप्चर करती है। देखिए पिछले वाले चैप्टर में हमने नेशन बिल्डिंग के बारे में पूरा पढ़ा कि यार सीरियस प्रॉब्लम उस टाइम की, अर्जेंट प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस के बाद की बिल्कुल अर्जेंट प्रॉब्लम जो थी ना वो सबसे बड़ी थी कि हमारे नेशन को बिल्ड करना। तीन अलग अलग हमने प्रॉब्लम्स देखी थी कि नेशन बिल्ड करने में क्या क्या आ रही थी। एक तो पार्टीशन हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, उनका बाइफर्केशन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम था कि प्रिंसली स्टेट्स को आज हम लोग एक नहीं कर पाते तो हमारे इंडिया के मैप में से बीच बीच में से छेद होते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए होते हैं। एंड तीसरा था कि इंटरनल बाउंड्रीज को ही शेप करना, स्टेट्स को ही शेप करना। तो नेशन बिल्डिंग यानी एक टेरिटरी को डिफाइन करने की सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम जो थी वो हमने इंडिपेंडेंस के बाद इस तरीके से सॉल्व करी थी, हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, कि कैसे धीरे धीरे करके हमने अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करा। और हम इस चैप्टर में बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे हमने फर्स्ट डेकेड में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इस्टेब्लिश करा। दूसरा कैसे कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद वाले जो ईयर्स थे उसमें कितनी डोमिनेंट थी, कैसे डोमिनेंस थी। और तीसरा हम देखेंगे कि कैसे फिर धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी में से ही ऑपोजिशन जो है वो इमर्ज होके आया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि कितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे जिसमें इंडिया जो है वो बॉर्न हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। हमने ऑलरेडी नेशन बिल्डिंग के सीरियस चैलेंज को पढ़ चुके हैं, उसको उससे कन्फ्रंट हो चुके हैं कि कन्फ्रंट जो है मतलब कंट्री जो है उसके बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम जो थी कंट्री के साथ ये नेशन बिल्डिंग की थी। तो इतने सीरियस चैलेंज के साथ फेस करने के बाद हमारे जो कंट्री के लीडर्स हैं और बाकी वर्ल्ड के भी जो लीडर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड करा, या फिर उनको यही स्पेकुलेशन हो रहा था, यही लग रहा था कि यार इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकती थी। मतलब सभी लोगों को ये लग रहा था कि अगर डेमोक्रेसी को इंडिया में प्रायोरिटी मिली या फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए तो उस वजह से ये हो जाएगा कि डिले हो जाएगा, मतलब वो जैसे जो इतने इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में उसके साथ डील नहीं कर पाएगा। इसी कारण से ऐसा हुआ था कि ऐसे और भी नेशंस जो थे जो उनके रूल से फ्री हुए थे, और भी नेशंस हैं, तो उन्होंने पहले से क्या डिसाइड करा था कि यार हम अभी तो एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हेड रख लेते हैं, या हम इससे पहले जो भी मतलब ब्रिटिश रूल के पहले जिस तरीके से हम गवर्न हो रहे थे उसी को थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करते, धीरे धीरे हम डेमोक्रेसी में चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो ट्रांजिशन जो है डेमोक्रेसी में वो इतना हो नहीं पाया, तो इसीलिए इतनी प्रॉपरली नहीं हो पाया, सक्सेसफुली नहीं हो पाया। तो हमारे लीडर्स की एक कंडीशन थी बिल्कुल
अनडिब्यूटेड कंडीशन थी कि होगी तो डेमोक्रेसी ही होगी। तो लीडर्स ने कहा कि नेशनल यूनिटी जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो है, और डेमोक्रेसी के कारण हो सकता है कुछ डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए, ऐसा लीडर्स को लग रहा था उस वक्त। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ थी जब उनको फ्रीडम मिली ना कॉलोनियलिज्म से, या ब्रिटिश रूल से, या फ्रेंच जो भी रूलर थे उनके कॉलोनाइजर्स थे, तो उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को करा, जैसे कि एक नॉमिनल डेमोक्रेसी, इफेक्टिव वन कंट्रोल लीडर, वन पार्टी रूल, डायरेक्ट आर्मी रूल। तो उन्होंने पहले उन्होंने ये सोचा था कि हम पहले तो नॉन डेमोक्रेटिक रूल कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी में चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक बार ये नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स जो है, ये स्टार्ट तो इसी प्रॉमिस के साथ होते हैं कि वो धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर लेंगे, लेकिन एक बार उन्होंने वो उस जैसे बोलते हैं सांचे में ढल गए, एक बार उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर ली, तो फिर वापस डेमोक्रेसी में ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल होता था। तो इंडिया में इंडिया की कंडीशंस भी बहुत अलग नहीं थी, उसने भी बहुत सारे सीरियस चैलेंज को फेस कर रहा था। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लीडर्स हैं, वो एक चीज़ उन्होंने वो डिसाइड कर रखी थी कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट पाथ लेंगे। हो सकता है कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने से थोड़े से डिफरेंसेस हो, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन हम अडॉप्ट करेंगे तो फ्रॉम डे वन डेमोक्रेसी ही अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो डेमोक्रेसी के आइडिया को डीपली कमिटेड था। तो हमारे लीडर्स जो थे वो बहुत ही कॉन्शियस थे कि पॉलिटिक्स का रोल क्या होगा डेमोक्रेसी में, उसको लेकर बहुत ही कंसर्न थे, क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे। वो ऐसा देखते थे, वो इस तरीके से पॉलिटिक्स को व्यू करते थे कि ये जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होगा, जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होगा, ये एक तरीके से सल्यूशन होगा हमारी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से एक हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से जो लीडर्स हैं वो लोगों के अच्छे के लिए करेंगे, ताकि वो कंपटीशन में मेंटेन रहे, वो इलेक्शंस में जीत सके। तो पॉलिटिक्स को वो लोग एज अ सल्यूशन, एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स देख रहे थे, क्योंकि हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने आप को कैसे गवर्न करेगा, कैसे रेगुलेट करेगा। तो बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो, मोनार्की है, टायरनी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, रिपब्लिक है, अलग अलग तरीके हैं। तो लेकिन बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग एस्पिरेशंस है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। तो हम इन डिफरेंसेस को कैसे रिजॉल्व करें? तो हमारे लीडर्स ने यही सोचा और यही देखा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो इस क्वेश्चन का एक आंसर है, कि इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का एक तरीका जो है वो डेमोक्रेसी के थ्रू ही है। कि जब जो कंपटीशन है और पावर है, ये दो सबसे ज़्यादा विजिबल चीज़ है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी का पर्पस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को ही फुलफिल करना होना चाहिए, और यही रूट जो है वो हमारे लीडर्स ने लेने का सोचा। इन इंडिया हीरो वर्शिप प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री, बट इन पॉलिटिक्स हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 25 नवंबर 1949। लास्ट ईयर मतलब हमने पिछले साल पढ़ा था कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना था, क्या क्या हमने देखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो हमने ये याद हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और इफेक्ट में आया था 24 जनवरी 1950 से, सॉरी 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया था। मतलब 3 डेज याद रखिए, अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949, साइन हुआ 24 जनवरी 1950 एंड इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से। तो उस टाइम पे कंट्री जो थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा लूट करी जा रही थी, उस टाइम पे इलेक्शंस हुए नहीं थी, वो गवर्नमेंट जो थी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो अब ज़रूरी था कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, लेकिन अब डेमोक्रेसी को एक्शन में लाने के लिए हमें हमारे फर्स्ट इलेक्शंस करना ज़रूरी है, ताकि कंट्री को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही केयरफुली लेड डाउन रूल्स है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का इलेक्शन के मशीन होगा, सिस्टम होगा, किस तरीके से होगा। तो पहले तो ये लगा था कि यार इलेक्शंस हो जाएंगे, कुछ ही महीनों का काम है। तो जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई थी और सुकुमार सेन जो थे वो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। तो कंट्री के सबसे पहले जनरल इलेक्शन जो थे वो हमने एक्सपेक्ट करे थे कि 1950 में ही सबसे पहले जनरल इलेक्शन जो है वो होंगे, लेकिन धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन को डिस्कवर हुआ कि इतना ईजी नहीं होगा फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना इंडिया में, क्योंकि इंडिया की साइज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इलेक्शन को मतलब इलेक्शन होल्ड करने से पहले बहुत पहले तो डिलिमिटेशन करना पड़ता था। डिलिमिटेशन मतलब
बाउंड्रीज ड्रॉ करना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज ड्रॉ करना कि यार कितने एरिया से कौन सा वोटर, क्या MLA, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम सभी को पता ही है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करना था कि पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ड्रॉ करना है, डिवाइड करना है, सबसे पहला काम वो था। उसके लिए बहुत बड़ा डेटा चाहिए था, बहुत ज़्यादा मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए थी कि हम किस बेसिस पे बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए अगर उसके लिए हर एरिया को एग्जामिन करना था, उसकी पॉपुलेशन कितनी, उसमें किस टाइप के लोग रह रहे हैं, मतलब उसमें कौन सी ग्रुप के, कौन से सोशल ग्रुप के लोग रहे, कहीं पर मुस्लिम मेजोरिटी में, कहीं पे SC ST मेजोरिटी में, एंड सो ऑन। तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल्स को भी प्रिपेयर करना था कि जितने भी सिटीजन्स एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो सबसे पहले वो प्रिपेयर होगी। फिर पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर, मतलब इस एरिया में पहले तो रोल्स प्रिपेयर हुए, इलेक्टोरल रोल्स, वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर हुई कि यार इस एरिया में इतने लोग हैं, तब पता चलता कि ये एरिया जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी है या फिर दलित मेजोरिटी या क्या है। ये दोनों टास्क जो है उन्होंने बहुत टाइम लिया, बहुत मेटिकुलस प्लानिंग लगी, बहुत ही लंबा और टीडियस टास्क था ये। तो सबसे पहले जो फर्स्ट के जो ड्राफ्ट रोल्स के पब्लिश हुए थे उसमें ये डिस्कवर हुआ था कि सिर्फ 40 लाख जो, मतलब जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 लाख वीमेन के नेम जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे लिस्ट में। मतलब 40 लाख औरतों ने अपने नाम ही उनके लिस्ट में थे ही नहीं, एंड जिनके नाम थे भी उनमें से जो थे वो उनको किस तरीके से मेंशन किया गया था, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, मतलब उनकी खुद की आइडेंटिटी ना करके उनके हस्बैंड या फादर या उनके हेल्प से उनकी आइडेंटिटी को इलेक्टोरल लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल में मेंशन करा गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसी लिस्ट को, ऐसी एंट्री को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ऑर्डर करा कि वापस से एक लिस्ट बनाओ, डिलीशन हो सके, जो भी एडिशन वगैरह जो करना है करो, लेकिन एक प्रॉपर इलेक्टोरल लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हर एक एलिजिबल टू वोट है। तो हर औरत का भी नाम होना चाहिए और उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए, ना कि वो वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, इस तरीके से नहीं, वो खुद एक वोटर है तो उनका नाम प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से पहले तो पूरी के पूरी इलेक्टोरल रोल को वापस रिवाइज करना पड़ा। अब पहले जनरल इलेक्शन के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैमथ एक्सरसाइज थी। इस स्केल पे आज तक पूरी दुनिया में इलेक्शन नहीं हुए थे जिस स्केल पर इंडिया में हो रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जिनको 3,200 MLAs को इलेक्ट करना था और फिर 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना था। मतलब दोनों लोकसभा इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो है वो साथ में हो रहे थे, विधानसभा के इलेक्शंस। तो इस हिसाब से विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस को मिला के उनको 3,200 तो MLAs इलेक्ट करने थे और 489 लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट करने थे। और इसमें से 17 करोड़ में से सिर्फ 15% वोटर्स जो थे वो लिटरेट थे, तो बाकी जो वो थे वो इलिटरेट थे, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था कि इलेक्शंस क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है। उनको समझाना था एक ऐसे तरीके से जिससे वो समझ पाए। तो इलेक्शन कमीशन को कुछ स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग के बारे में सोचना था जो इलिटरेट लोग हैं वो भी उस तरीके से वोट कर पाए। तो इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करा बहुत लंबे समय तक, पोलिंग स्टाफ को, ताकि इलेक्शंस प्रॉपरली कंडक्ट हो सके। तो ये जो थी, ये प्रॉब्लम्स थी हमारी फर्स्ट इलेक्शन कमीशन में जो, मतलब एक फेस करी थी, हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी थी। अब ये सिर्फ साइज़ ऑफ कंट्री के बारे में नहीं था कि जो इलेक्टर्स थे वो इतने अनयूजबल थे, साइज़ ऑफ कंट्री नहीं, जो पहले जनरल इलेक्शन थे ना वो डेमोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था। क्योंकि देखिए आज के पहले इसके पहले जो इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो रहे थे उसके पहले अभी तक डेमोक्रेसी जो थी वो ज़्यादा लिटरेट और प्रॉस्परस पार्ट्स में ही थी, मेनली यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही थी वो लोग प्रॉस्परस थे, बहुत ही उनकी जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा लिटरेट थी। अब हमारी कंट्री तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा इलिटरेट थी। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि पुअर और इलिटरेट कंट्री जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो होल्ड हो रहे थे। ये डेमोक्रेसी का टेस्ट था और ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा था। और यहाँ तक कि ये बात भी है कि उस टाइम तक, मतलब 1950 तक भी यूरोप के कुछ पार्ट्स ने विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, मतलब यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो नहीं हो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का एक एक्सपेरिमेंट जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ था, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के साथ था, ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, बहुत ज़्यादा बोल्ड था। यहाँ पर देखिए किस तरीके से रिमार्क्स आए थे। एक इंडियन एडिटर थे, उन्होंने कहा कि ये बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री है। एक ऑर्गेनाइजर, एक मैगजीन है,
उसने जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया. क्योंकि सभी को लग रहा था कि यार अभी तक हमने यूरोपियन पार्ट्स को लग रहा था, कंट्रीज को, कि अभी तक हमने हमारी वीमेन वोटर्स को राइट टू वोट नहीं दिया और इंडिया सोच रही है कि वो सबको राइट टू वोट भी दे देगी, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी कंडक्ट कर देगी, तो ये तो सब फेल होने वाला है, इंडिया को पता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता. एक ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, उन्होंने क्लेम करा कि अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू विद एस्टोनिशमेंट द अब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल. मतलब ऐसे इलिटरेट अनपढ़ लोगों के वोट्स को रिकॉर्ड करके इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का, यू नो, बेवकूफ़ी बड़ा काम जो है वो फ्यूचर जनरेशन इंडिया की देखने वाली है. ओके, ये क्विकली देख लेते हैं. ये कार्टूनिस्ट इंप्रेशन है इलेक्शन कमेटी का जो कि कांग्रेस ने फॉर्म करी थी ताकि पार्टी कैंडिडेट्स को चूज करा जा सके. कमेटी पे देखिए, इलेक्शन कमेटी है. अब इस पे देखिए, हमको देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू है, ये मोरारजी देसाई है, ये प्रॉबली रफ़ी अहमद किदवाई है. इनके अलावा पूरी कमेटी के ऊपर कौन कौन बैठे हुए हैं, डॉक्टर बी सी रॉय, कामराज नादर, राजगोपालाचारी, ये रहे राजगोपालाचारी, इस साइड बैठे हैं जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, डीपी मिश्रा, पीडी टंडन और गोविंद बल्लभ पंत. तो अब बात ये थी, ये कार्टून क्या दिखाता है कि कांग्रेस को चूज करना था इतने सारे कैंडिडेट्स में से कि यार मतलब इतने सारे लोग थे मतलब पूरी कमेटी में, और अब इनको चूज करना था कि कौन पार्टी का कैंडिडेट होगा, कहाँ से कंटेस्ट करेगा. तो ये तो थी इलेक्शन कमेटी, मतलब इसको चूज करना था कि कौन पार्टी के कैंडिडेट होंगे, और इतने सारे थे उम्मीदवार, ये सभी हाथ जोड़ के जो खड़े, ये सभी पार्टी कैंडिडेट, मतलब सभी बोल रहे कि हमें पार्टी कैंडिडेसी चाहिए, हमें कैंडिडेट, हमें सीट चाहिए, हमें सीट चाहिए. तो इलेक्शन कमेटी जो थी अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इतने सारे लोगों में से किसको सीट दी जाए. तो ये उस बारे एक उसको वो शो करता है. चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग. अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का यूज़ करते हैं जिससे कि वोटर्स के प्रेफरेंसेस को मतलब रिकॉर्ड कर सके, लेकिन हमने इस तरीके से शुरुआत नहीं करी थी. सबसे पहले जनरल इलेक्शन में ये डिसाइड किया था कि हर पोलिंग बूथ में एक बॉक्स होगा जिसमें हर कैंडिडेट का इलेक्शन सिंबल और नाम लिखा रहेगा. मतलब एक बॉक्स रहेगा, उसके ऊपर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट की पार्टी, कैंडिडेट का इलेक्शन सिस्टम इंग्लिश हिंदी उर्दू, मतलब इंग्लिश हिंदी उर्दू में लिखा जाएगा, या फिर उसके रीजनल लैंग्वेज में, जैसे अगर पंजाब में हो रहा है तो पंजाबी में, गुजरात में हो रहा है तो गुजराती में, इस तरीके से हर बॉक्स पे एक एक कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा. अब एक वोटर को एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था और उसको जिस भी कैंडिडेट को वोट करना था उसको उस कैंडिडेट के बॉक्स में उसको ड्रॉप करना था. फॉर एग्जांपल, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पर 5 बॉक्सेस रहेंगे, एक पेपर रहेगा, तो वोटर को डालना है कि एक बॉक्स के अंदर डालना है कि जिस भी कैंडिडेट को वोट करना है तो उसके नाम के बॉक्स के अंदर उस पेपर को उसको गिराना है. तो इस तरीके से 20 लाख स्टील बॉक्सेस यूज़ करे गए थे. तो पंजाब में एक ऑफिसर थे जो काम कर रहे थे बैलेट बॉक्स प्रिपेयर करने के, तो उन्होंने बोला, वो ये कहते हैं कि हर बॉक्स के ऊपर कैंडिडेट का सिंबल, दोनों अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ कैंडिडेट का सिंबल लिखना था, और दोनों साइड वो जो है वो उर्दू में भी डिस्प्ले होना था, हिंदी में भी डिस्प्ले होना था, और इस केस में जैसे पंजाबी में डिस्प्ले होना था, और उसके साथ उसकी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी उस बॉक्स के ऊपर लिखना मैंडेटरी थी, और अंदर भी लिखना था बॉक्स के, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर से अगर वो रब हो जाए या बाहर से कोई उसको चेंज कर दे तो अंदर से पता रहे कि यार कौन सा कैंडिडेट है, मतलब वो. अब जो पेपर सील है उसके अंदर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होता था कैंडिडेट का, जिसको एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता था, और उसको उस बॉक्स के अंदर हमें डालना होता था. ये सबको एक दिन, इन सब काम को एक दिन पहले करना पड़ता था, बॉक्स रखना, उस पर नाम लिखना, ये करना. कभी कभी अगर सिंबल्स को चेंज करना, मतलब सिंबल्स को चेंज भी करना पड़ता था क्योंकि दोनों इलेक्शन हो रहे थे, विधानसभा के भी लोकसभा के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले पूरे बॉक्स को सैंड पेपर से रब करना पड़ता था या फिर एक ईंट के टुकड़े से रब करा जाता था और उसके ऊपर फिर वापस से लिखा जाता था. तो इस काम में टोटल 5 और 6 घंटे पाँच घंटे लगते थे या 6 लोग लगते थे, और इसमें बोलते थे कि मेरे दोनों बेटियाँ और मैं और हम सभी मिल के ये काम करते थे, तो ये मेरे घर पे काम होता था. तो इस तरीके से सबसे पहले इलेक्शन जो है वो हुए थे. आज इस तरीके से वोटिंग मशीन यूज़ होती है कि एक सिर्फ हमें बटन दबाना होता है एंड हो जाता है हमारा वोट रिकॉर्ड. पहले 2 इलेक्शंस के बाद ये मेथड चेंज करी गई थी. अब बैलेट पेपर के ऊपर ही सारे कैंडिडेट के नाम लिखे गए थे, मतलब पहले बैलेट पेपर के ऊपर नाम नहीं थे, पहले एक एक बॉक्स अलग अलग था. अब एक ही बॉक्स था और बैलेट पेपर के ऊपर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक उसको स्टैम्प करके लगना था, ताकि जिसको जिस कैंडिडेट के लिए वोट करना है उसके नाम के आगे उसको स्टैम्प करके अपनी प्रेफरेंस दिखानी थी. ये मेथड जो है वो 40 ईयर्स के लिए 40 साल तक काम करा.
1990s के एंड तक इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करना शुरू कर दिया कुछ कुछ एरियाज़ में, और 2004 तक पूरी कंट्री जो है वो अब ईवीएम का यूज़ करने लग गई थी वोटिंग के लिए। जो इलेक्शंस थे उनको दो बार पोस्टपोन करना पड़ा और फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए गए। लेकिन इन इस इलेक्शन को 1952 इलेक्शन कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो है वो जनवरी 1952 में ही वोट करा था, तो पूरे कैंपेनिंग पोलिंग काउंटिंग वगैरह में 6 महीने लग गए। इलेक्शन कॉम्पिटिटिव थे और एक ही सीट के लिए चार से भी ज़्यादा एवरेज में चार से ज़्यादा कैंडिडेट थे ही सही, और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग था। मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट, आधे से भी ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट हुए थे वोटिंग के टाइम पर, और जब रिजल्ट डिक्लेयर करे गए थे तो सभी ने एक्सेप्ट करे थे कि हाँ ये फेयर इलेक्शन फेयर है। जो 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 इलेक्शन हारे भी थे उन्होंने भी अपने अपनी हार को भी उन्होंने एक्सेप्ट करा था कि हाँ ये फेयर है, इसमें ये चीज़ एक्सेप्टेड उन्होंने एक्सेप्ट करी थी। तो ये इंडियन एक्सपेरिमेंट था, इसने जितने भी क्रिटिक्स थे उसको प्रूव कर दिया था, गलत प्रूव कर दिया था कि इंडिया में इलेक्शंस करे जा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि पोल्स के टाइम पे कि कन्फाउंडेड ऑल दोज स्केप्टिक्स हु थॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री। हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला कि देर इज यूनिवर्सल अग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमिरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट जो करा था वो सक्सेसफुल प्रूव हुआ अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफिकल्टीज। ऑब्जर्व इंडिया के बाहर भी जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने भी बहुत बहुत ही इम्प्रेस थे इंडिया के साथ कि इतने बड़े लेवल पे इतने अलग तरीके से इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करे। तो इंडिया के जो 1950 जनरल इलेक्शन थे ये एक लैंडमार्क बन गए डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में। तो अब ये आर्ग्यू नहीं करा जा सकता था कि डेमोक्रेसी सिर्फ लिटरेट या प्रॉस्परस जगह पर ही सक्सेसफुल हो सकती है, ये प्रूव हो गया था कि डेमोक्रेसी हर जगह कहीं भी दुनिया में सक्सेसफुल हो सकती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका ओरिजिनल नेम था अबुल कलाम मुहियुद्दीन अहमद, इस्लाम के स्कॉलर थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस लीडर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रोपोनेंट थे। ज़्यादा थे हिंदू मुस्लिम जो है वो हमेशा यूनाइटेड रहे, पार्टीशन को उन्होंने अपोज किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे और फ्री इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर थे। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट तीन जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने डोमिनेट करा था पॉलिटिक्स को। पहले जनरल इलेक्शन के रिजल्ट होते वो इसको किसी ने सरप्राइज नहीं करा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसको एक्सपेक्ट किया गया था और वही जीती, कांग्रेस पार्टी जीती, और उस टाइम पे पॉपुलरली कांग्रेस पार्टी कहा जाता था, उसने पूरे नेशनल मूवमेंट की लेगेसी को इनहेरिट करा था। पूरे नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी जो थी वो फोरफ्रंट में थी, तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर ये ओनली पार्टी थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री में फैला हुआ था, क्योंकि इसका ओरिजिनली तो ये एक फ्रीडम पार्टी थी ना, नेशनल मूवमेंट में फ्रीडम के लिए जो फाइट करी थी वो पार्टी थी, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री में फैला हुआ था। फाइनली जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कैरिस्मेटिक लीडर थे इंडियन पॉलिटिक्स के उस टाइम पे, तो उन्होंने कांग्रेस कैंपेन में हमेशा लीड करा, पूरी कंट्री में उन्होंने टूर करा, तो जवाहरलाल नेहरू बहुत ही पॉपुलर और लाइट लीडर थे। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो विक्ट्री जिस हिसाब से कांग्रेस जीती थी उसको भी किसी ने सरप्राइज नहीं किया था। पार्टी ने 489 में से 364 सीट्स जीती थी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में, एंड किसी भी और पार्टी से काफ़ी आगे जाके जीती थी। जैसे कि जो सेकंड नंबर पे थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो तो सिर्फ 16 सीट्स जीत पाई थी। आप समझिए 364 सीट्स पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे 16 सीट्स, मार्जिन देखिए कि किस कितना गैप था फर्स्ट और सेकेंड के बीच में। जो स्टेट इलेक्शन थे जो कि लोकसभा इलेक्शन के साथ हुए थे, जो कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें भी उसने बहुत बड़ी विक्ट्री जीती थी, उन्होंने सभी स्टेट्स में एक मेजॉरिटी जीती थी एक्सेप्ट फॉर वन जो कि त्रावणकोर कोचीन वाला स्टेट था जो आज केरला का स्टेट है, मद्रास और उड़ीसा में, इन तीनों जगह पर थोड़ी सी इतनी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। लेकिन फाइनली हुआ ये कि इन जगहों पर भी कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म करी, तो अब ये था कि हर जगह नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हर जगह कांग्रेस जो था वो रूल कर रहा था, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी हर स्टेट में भी। और जवाहरलाल नेहरू से एक्सपेक्ट किया गया था कि वो ही जो है जवाहरलाल नेहरू एक्सपेक्टेड थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के। ये मैप देख लीजिए, कांग्रेस डोमिनेंस 1950 to 1967 में, ये येलो वाले सभी स्टेट्स है यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन के सभी स्टेट्स है जो कि कांग्रेस रूल कर रही थी।
केरला में तब डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट था, मतलब एक कोलिशन से कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। लेकिन ये बात करें 1957 से 1957 से 59 तक, एंड ये जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी जो थी। सो आप ये देख सकते हैं। अगर हम इस मैप को जैसे हमने देखा, तो ये हमें बताएगा कि कांग्रेस कितनी ज़्यादा डोमिनेंट थी 1952 से लेकर 1962 तक, यानी दो इलेक्शन के लिए। सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन जो कि 1957 और 62 में हुए थे, उसमें भी कांग्रेस ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी, बहुत ही लार्ज मार्जिन से जीती, 3/4 सीट आराम से जीत की लोकसभा में। कोई भी अपोजिशन पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी की 1/10 सीट भी नहीं जीत पाई थी। ओके और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस जो है वो कुछ जगह पर उसको मेजोरिटी नहीं मिली, जैसे कि केरला में 1957 में उसको मेजोरिटी नहीं मिली, तो उसने सीपीआई के साथ, मतलब तब जाकर सीपीआई के साथ एक कोलिशन के साथ गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो इसके अलावा कांग्रेस ने हर जगह पर, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, हर जगह कांग्रेस ने ही रूल करा था। ये जो एक्सटेंट थी विक्ट्री की, ये आर्टिफिशियल नहीं थी, मतलब आर्टिफिशियली इसको बूस्ट किया गया था हमारे इलेक्टोरल सिस्टम से। कैसे? कांग्रेस ने हर 4 में से 3 सीट को जीता था, लेकिन टोटल वोट्स अगर देखे तो इसको आधे भी नहीं मिले थे। आप बात समझने की कोशिश कर रहे हो? 1952 में यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले तो कांग्रेस को टोटल 45% वोट्स मिले थे, सिर्फ 45% वोट मिले। अगर जैसे कि 100 लोगों ने वोट करा होगा तो 100 में से सिर्फ 45% वोट्स मिले, 45 लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट करा, लेकिन उसको 74% सीट्स मिल गई। और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी वोट्स में, 1952 में उसने 10% से भी ज़्यादा वोट सिक्योर करे, लेकिन उसकी सीट्स जो थी वो 3% सीट्स भी वो नहीं जीत पाई, जबकि वोट्स तो उसको 10% आए। ये कैसे हुआ? ये हुआ एक सिस्टम था फर्स्ट पार्टी पोस्ट इलेक्शन सिस्टम के द्वारा, FPPP, इस ये वाला जो प्रोविजन है जो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, उसके कारण हुआ। देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि हमारी कंट्री ने FPPP सिस्टम को अडॉप्ट करा है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसको भी ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, जो सीट है वो उसके फेवर में चली जाती है। मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर एग्जाम्पल है ABC, 3 कैंडिडेट से एक ही सीट के, ए को 35% वोट्स मिले या फिर ए को सपोज 45% वोट्स मिले, ठीक है। अब बच्चे 55% वोट्स में से ए को 45, मतलब ए को 45 मिल गए 100% में से, बच्चे 55% वोट्स, अब इन 55% वोट्स में से बी को मिले 20% वोट्स या 30% वोट्स और सी को मिले 25% वोट्स। अब ए बी और सी के पास कितने परसेंट वोट्स है? ए के पास 45%, बी के पास 30%, सी के पास 25%। अब अगर बी और सी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बी और सी को कंबाइन तो 55 मिले और ए को सिर्फ 45%, आधे वोट्स भी नहीं मिले, लेकिन क्योंकि ए के वोट्स बी और सी से ज़्यादा है तो वो सीट उसकी हो गई। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था कि भले ही आपको 10% वोट्स मिले, लेकिन अगर वो आपके बाद वाले को सिर्फ 8% वोट्स मिले हैं तो 10% वोट्स भी ज़्यादा है और आप जीत चुके हो। तो बात ये थी कि जिसको सबसे ज़्यादा मिले सभी कैंडिडेट्स में से, वो जो है वो सीट में जीत जाएगा। तो ये रीज़न था कि कांग्रेस को टोटल वोट्स तो 45% ही मिले, लेकिन सीट्स जो है वो उसने 74% एंड मोर भी जीत ली। तो नॉन कांग्रेस वोट्स जो थे वो आधे परसेंट, 50% से भी ज़्यादा थे, लेकिन कांग्रेस को FPPP की वजह से इजीली 74% जीत सीट्स मिल गई। जो नॉन कांग्रेस वोटर्स थे, अब उनकी बात थी कि वो डिवाइडेड थे, कंबाइंड होके वो नहीं देख रहे थे कि कंबाइंड हमारे वोट्स 50% से भी ज़्यादा है। उनके वोट कोई देख रहा था, हमें तो 10% मिले, हमें 8% मिले, हमें 9% मिले। तो इस वजह से जो है कि वो कंबाइंड नहीं थे, डिवाइडेड थे, तो वो नहीं देख पा रहे थे कि कांग्रेस को किस तरीके से हरा जा सकता है। तो कांग्रेस ने अपोजिशन को पहले के 2-3 इलेक्शंस में आसानी से हरा दिया। राजकुमारी अमृत कौर एक गांधीयन एंड फाइट फ्रीडम फाइटर थी, रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला को बिलोंग करती थी, उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन अपनी मदर से इनहेरिट करा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी और उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर का 1957 तक अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू रखा। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला एज अर्ली एज इन 1957 में कांग्रेस पार्टी जो था, मतलब पहली बार 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को पहली हार चखनी पड़ गई थी केरला में।
असेंबली इलेक्शंस में जो कि मार्च 1957 में हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 120 मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स जीती थी केरला लेजिस्लेचर में। मतलब पार्टी जो थी वो 126 में से 60 सीट्स जीती थी, एंड उसका सपोर्ट था मतलब 5 इंडिपेंडेंट और पार्टीज का कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट मिल गया था। तो जो गवर्नमेंट है उसने ईएमएस नंबूरी नंबूरी पद को इनवाइट करा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उस टाइम पे, ताकि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे और उस टाइम के चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ था कि एक कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो थी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू पावर में आई थी। स्टेट में कांग्रेस पावर लूज कर चुकी थी, सीपीआई बन चुकी थी, तो उसने एक लिबरेशन स्ट्रगल चालू कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सीपीआई जो पावर में आई थी उसने उसने प्रॉमिस करा था कि रेडिकल और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स को फॉलो करेगी। तो कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने क्लेम करा था कि ये जो एजिटेशन जो वो लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो सेंटर पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने कम्युनिस्ट पार्टी को डिसमिस कर दिया आर्टिकल 356 के अंडर। और ये डिसीजन जो था वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल प्रूव हुआ, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ ऑफ इमरजेंसी पावर्स का देखा गया कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने अपनी पावर्स का मिसयूज़ करा। लेकिन उसने केरला में जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया और फिर अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म कर ली। ईएमएस नंबूरी पर ये एक प्रोसेशन लीड करे कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स का, जब उसकी मिनिस्ट्री को डिसमिस करा गया था त्रिवेंद्रम ऑफिस से अगस्त 1959 में। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी का जो ओरिजिन है वो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम पे मास मूवमेंट में। जो कांग्रेस सोशल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस के अंदर ही फॉर्म हुई थी 1934 में, और इसको फॉर्म करा था एक ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स ने जिनको और ज़्यादा रेडिकल और एक एडिटेरियन कांग्रेस चाहिए थी। 1948 में जो कांग्रेस है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था जिससे वो मेंबर्स को प्रिवेंट कर सके एक डुअल पार्टी मेंबरशिप होने से, मतलब एक मेंबर जो है वो दो पार्टी की मेंबरशिप नहीं रख सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि जैसे कांग्रेस के अंदर ही, यहाँ पर क्या हो रहा था, कांग्रेस है और उसके अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टी है, तो वो डुअल पार्टी मेंबरशिप को उसने डिनाई कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसने फोर्स करा था कि जो सोशलिस्ट है उनको एक सोशलिस्ट पार्टी, अलग ही पार्टी 1948 में फॉर्म करनी पड़ी थी। पार्टी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको वोट्स वगैरह नहीं जीत पाया था। तो पार्टी की प्रेजेंस जो थी वो मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में थी, लेकिन इलेक्टोरल सक्सेस वो ज़्यादा नहीं पा पाई थी। सोशलिस्ट जो थी वो आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करती थी, जिससे उसको दोनों से, मतलब कांग्रेस से भी डिस्टिंग्विश करा था और कम्युनिस्ट से भी डिस्टिंग्विश करा था, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म के ऊपर थी। उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करा था क्योंकि वो कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स को फेवर कर रहे थे, वर्कर्स और पेजेंट्स को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन सोशलिस्ट के पास एक डिलेमा आ गया था, मतलब सोशलिस्ट को एक डिलेमा फेस करना पड़ा था जब 1955 में कांग्रेस ने डिक्लेयर करा था कि उसका गोल है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो अब जो जिस बात पे सोशलिज्म कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रही थी, जिस बात पे उनको क्रिटिसाइज कर रही थी, वही चीज़ कांग्रेस ने डिक्लेयर कर ली कि 1955 में, कि हमें तो सोशलिस्ट पैटर्न के साथ सोसाइटी को करना है। तो ये सोशलिस्ट के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि अब जो उनका सोल मोटो था वो भी कांग्रेस ने उनके अंदर इम्बाइब कर लिया था। तो अभी उनके लिए डिफिकल्ट हो गया था कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सके अगेंस्ट कांग्रेस, कि एक कांग्रेस से बेहतर वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे, किस उस पर प्रेजेंट करे कि वो कांग्रेस से बेहतर है। तो इनमें से कुछ जो थे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया उनको लीड कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस के क्रिटिसिज्म से अपना डिस्टेंस कर लिया, मतलब कांग्रेस को क्रिटिसाइज वो कम से कम करने लगे। अशोक मेहता जो थे उन्होंने ये पॉलिसी एडवोकेट करी कि कांग्रेस के साथ लिमिटेड हमें कोऑपरेशन करना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बहुत सारे स्प्लिट्स और क्रैक्स और रीयूनियंस के थ्रू गई, और इसमें जो थे जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण जो थे, अच्युत पटवर्धन थे, अशोक मेहता थे, आचार्य नारायण नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया थे, एस एम जोशी थे, ये सोशलिस्ट पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स थे। बहुत सारी पार्टीज जो थी आज कंटेम्प्रेरी इंडिया में, जो बहुत सारी पार्टी है जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, RJD हो गई, जनता दल JD हो गई, यूनाइटेड हो गई, जनता दल सेक्युलर हो गई, ये सब के ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं सभी जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के अलग पार्टीज बनी है। आचार्य नरेंद्र देव फ्रीडम फाइटर थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, कई बार उनको जेल जाना पड़ा फ्रीडम मूवमेंट के टाइम। प्रेजेंट मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे, बुद्धिज्म के स्कॉलर थे। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और फिर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को लीड करा।
नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस कैसा था, किस नेचर से था, क्या था, क्यों था, कैसे था। तो इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने एक ही कंट्री का डोमिनेंस, एक ही पार्टी का डोमिनेंस देखा था। अगर हम देखेंगे और भी एग्जांपल्स, तो और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस हमें इजीली देखने को मिल जाता है। लेकिन इंडिया के एक्सपीरियंस में और बाकी कंट्रीज के एक्सपीरियंस में जो वन पार्टी डोमिनेंस का है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन कंट्रीज में भी सिंगल पार्टी रूल था। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिथ्रिया, इन पार्टीज में भी वन पार्टी स्टेट था। लेकिन इसका डिफरेंस ये था कि ये जो वन पार्टी रूल था, ये डेमोक्रेटिक नहीं था। ओके, डेमोक्रेसी से इंश्योर नहीं, डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके करा गया था। जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और एरिथ्रिया में जो वन पार्टी स्टेट्स थे, वो लीगल और मिलिटरी मेजर्स की वजह से थे। लीगल मतलब लॉ में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही वन पार्टी जो थी वो परमिटेड थी, या फिर मिलिटरी ने फोर्स करा था कि वन पार्टी बनी रहे। तो कुछ साल तक मेक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान जो थे, वो भी वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे, वहाँ पर भी वन पार्टी था। तो कांग्रेस भी वन पार्टी थी, मतलब यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा है कांग्रेस का भी। तो डिफरेंस ये था कि कांग्रेस का जो वन पार्टी डोमिनेंस था, ये डेमोक्रेटिक था। इलेक्शंस के थ्रू ये लोगों की चॉइस थी कि कांग्रेस जो है वो पावर में रहे। बाकी हमने जो यहाँ एग्जाम्पल देखी, इनमें से ये बहुत सारी पार्टीज थी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करके नहीं जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू ही जीती थी और अपना पोजिशन उन्होंने स्ट्रेंथन की थी। तो कांग्रेस का जो इंडिया में डोमिनेंस था, वो ही डोमिनेंस वैसा ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का साउथ अफ्रीका में सिमिलर था। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का डोमिनेंस जो था इंडिपेंडेंस के बाद, वो थोड़ा सा सिमिलर था, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू ही पावर में आई थी। ओके, फाउंड PRI यानी कि नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, 1921 में ये फाउंड की गई थी। लेटर इसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI, क्योंकि स्पेनिश में है तो उसको PRI है। इसने मेक्सिको में पावर एक्सरसाइज करी थी 6 डेकेड्स के लिए। मतलब PRI इसलिए क्योंकि इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें तो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी आती है, और स्पेनिश में करेंगे तो PRI के नाम से वो आएगा, ठीक है। इसने मेक्सिकन रेवोल्यूशन की लेगेसी को रिप्रेजेंट किया था। ओरिजिनली PRI जो थी वो बहुत सारे इंटरेस्ट की एक मिक्सचर था। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर थे, लेबर्स थे, पेजेंट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो कुछ टाइम तक प्लूटार्को एलियास कैलेस जो थे, वो PRI के जो फाउंडर थे, वो ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर कर पाए थे और गवर्नमेंट में भी अपनी पार्टी को जीत पाए थे। इलेक्शन जो थे वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते थे, एंड PRI जो है वो हर बार जीतती थी। बाकी पार्टी जो थी वो सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो थी उसको ग्रेटर लेजिटिमेसी मिली हुई थी, तो उसके लिए बस ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट कर सकती थी, ताकि रूलिंग पार्टी को लेजिटिमेसी मिल सके कि हाँ भाई, अपोजिशन पार्टीज तो है ये फ्री एंड फेयर तरीके से जीत रही है, जबकि अपोजिशन पार्टीज का बाकी और कोई काम नहीं था। जो इलेक्टोरल लॉज थे वो इस तरीके से ऑपरेट करते थे कि ये इंश्योर हो सके सिर्फ PRI जीते, इसके अलावा और कोई पार्टी ना जीत पाए। वो लॉज इस तरीके से फॉर्म थे। इलेक्शन जो थे उनको ऑफन रिग किया जाता था, मैन्यूपुलेट किया जाता था। रूलिंग पार्टी उसको इलेक्शंस में थोड़ा सा चीटिंग करती थी। रूल जो था वो डिस्क्राइब था परफेक्ट डिक्टेटरशिप का। फाइनली पार्टी ने 2000 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गई। मेक्सिको अब नो लॉन्गर वन पार्टी डोमिनेट कंट्री थी। लेकिन जो टैक्टिक्स PRI ने डोमिनेंस के टाइम पे अडॉप्ट किए थे, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट था हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी पे। सिटीजन्स को अब फुल कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ पाया है फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शंस पर अभी तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेक्सिको में भी वन पार्टी डोमिनेंस था, लेकिन ये नॉन डेमोक्रेटिक था। बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट के इंडिया में लीडर थे। दलित्स के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल लड़ी। स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे, लीडर। उन्होंने स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को फाउंड करा था, फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को प्लान करा था। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में इंडिपेंडेंस के बाद मिनिस्टर थे। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर रिजाइन कर दिया था। उन्होंने बुद्धिज्म को 1956 में अडॉप्ट करा था, और उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ने भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा था। तो ये जो कांग्रेस की सक्सेस है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस है, इसके रूट्स जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल तक हमें जाते हैं। कांग्रेस जो थी वो देखा जा रहा था कि नेशनल मूवमेंट की इनहेरिटर है, उसकी लेगेसी उसने कंटिन्यू करी थी। बहुत सारे लीडर्स जो कि नेशनल स्ट्रगल में फोरफ्रंट में लड़ रहे थे, अब वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे कैंडिडेट्स की तरह, कांग्रेस कैंडिडेट्स की तरह। तो कांग्रेस जो थी वो ऑलरेडी एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी,
उस टाइम पर, तो जब तक पहले जनरल इलेक्शन तक, अब ये देखिए सारे रीजंस आपको लिखने पड़ेंगे कि कांग्रेस क्यों जीती थी। तो जब तक कोई और पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाती, कांग्रेस तब तक ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, पूरे सबको पूरे इंडियन कंट्री में दूर दूर तक फैले हुई थी, लोअर लेवल तक वो फैले हुई थी, और उसने ऑलरेडी अपना कैंपेन स्टार्ट कर लिया था जब तक पार्टी बनने के बारे में सोच भी पाती तब तक। इनफैक्ट बहुत सारी पार्टी जो थी वो इंडिपेंडेंस है उसके बाद ही फॉर्म हुई थी, और कांग्रेस तो ऑलरेडी एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टी थी, तो कांग्रेस के पास फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स का एडवांटेज था। इंडिपेंडेंस के टाइम तक पार्टी जो थी वो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री तक पूरी स्प्रेड डाउन थी, यहाँ तक कि लोकल लेवल तक स्प्रेड डाउन थी नीचे तक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कांग्रेस जैसे अभी तक नेशनल मूवमेंट में देखी जा रही थी, उसका नेचर जो था वो ऑल इंक्लूसिव था। कैसे था ऑल इंक्लूसिव, हम ये आगे वाले में पढ़ेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसने कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस में कंट्रीब्यूट करा था। रफ़ी अहमद किदवई कांग्रेस लीडर थे यूपी से, यूपी में मिनिस्टर थे 1937 में और अगेन 1946 में, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर थे फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे 1952 से 54 तक। अब ये दिखा रहा है कि कैसे कांग्रेस ऑल इंक्लूसिव थी। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैसे कांग्रेस जो थी 1885 से इवॉल्व हुई थी एक प्रेशर ग्रुप की तरह। उसका प्रेशर ग्रुप क्या था कि यार इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए, वो प्रेशर कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर उस टाइम पर। इसमें न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल क्लासेस कुछ सिलेक्टेड लोग ही थे इस टाइम तक। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि 20th सेंचुरी तक नेशनल ये फ्रीडम का जो मूवमेंट है ये ज़्यादा ब्रॉड होता गया, ज़्यादा मास मूवमेंट में कन्वर्ट होता गया। तो इस वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा लोग जो है वो इसमें जुड़ते गए। तो ये इसका इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था एक मास पॉलिटिकल पार्टी में, और एक सब्सिक्वेंट में डोमिनेट करने लग गई थी ये पॉलिटिकल सिस्टम को। तो कांग्रेस जो थी वो बिगैन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो थे पहले इसको डोमिनेट करते थे। शुरुआत में कांग्रेस में कौन से लोग थे, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट एजुकेटेड अपर कास्ट अपर मिडिल क्लास अर्बन एलीट। लेकिन जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता गया, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट के लिए नेशनल स्ट्रगल के लिए जो मूवमेंट्स होते गए, ऐसे ऐसे और ज़्यादा लोग जो है इसमें जुड़ते गए, और इसका सोशल बेस जो है वो और ज़्यादा वाइडन होता गया। इसके अंदर अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स आ गए जिनके इंटरेस्ट ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी थे, मतलब इसमें पेजेंट्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, अर्बन ड्वेलर्स भी थे, विलेजर्स भी थे, वर्कर्स भी थे, ओनर्स भी थे, मिडल लोअर अपर तीनों क्लासेस के लोग थे, सभी कास्ट के लोग थे, हर सोशल कैटेगरी के लोगों ने कांग्रेस में एक जगह पाई थी। धीरे धीरे करके इसकी लीडरशिप जो थी वो भी एक्सपैंड होती गई, अपर कास्ट अपर क्लास से लेकर एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स हो गए, तो रूरल ओरिएंटेशन में मतलब वो लीडर्स हो गए जो कि छोटे मोटे मतलब किसान वगैरह होंगे, वैसे भी लीडर्स बनने लग गए। तो पार्टी में सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला। इंडिपेंडेंस के टाइम तक कांग्रेस जो थी वो एक रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो इंडिया की डाइवर्सिटी को हर तरीके से, चाहे वो क्लास हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, हर तरीके से इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करी थी। मतलब हर सोशल ग्रुप से, इंडिया के हर सोशल ग्रुप से आपको कोई ना कोई कांग्रेस में मिल जाएगा। इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स जो थे उनकी आइडेंटिटी कांग्रेस के अंदर ही इमर्ज हुई। तो वेरी ऑफन जो थे वो कांग्रेस के अंदर ही एग्जिस्ट करते थे एज ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स होल्डिंग डिफरेंट बिलीफ्स, मतलब कांग्रेस के अंदर ही छोटे 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 ग्रुप्स बने हुए थे। तो इस सेंस में कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी थी। सोशल कोएलिशन तो हमने देख लिया, पर उनकी थिंकिंग भी, क्योंकि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाए तो यहाँ पर रेवोल्यूशनरी भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, राइट भी थे, लेफ्ट भी थे, ऑल शेड्स ऑफ सेंटर भी थे। तो इस तरीके से हर आइडियोलॉजी के लोग जो थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था बहुत सारे ग्रुप्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो नेशनल मूवमेंट में पार्ट लेना चाहते थे, तो उसका स्टेज दिया था कांग्रेस पार्टी ने। तो प्री इंडिपेंडेंस डेज में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, पार्टीज थी जिनका खुद का ही एक कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो कांग्रेस के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही थी। उनको इतनी अलाउ करा गया था कि आप कांग्रेस के अंदर ही एज योर ओन डिफरेंट पार्टी एग्जिस्ट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों पार्टी का मेंबर होगा, आप अपनी खुद की पार्टी के भी मेंबर होंगे और कांग्रेस पार्टी के भी मेंबर होंगे। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अर्ली 1920s में कम्युनिस्ट जो थे वो एक डिफरेंट पार्ट ऑफ ग्रुप की तरह, मतलब एक डिफरेंट ग्रुप की तरह इमर्ज हुआ इंडिया में, और इसका इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में, जो कि 1917 में हुआ था। और वो रेवोल्यूशन जो था उसने सोशलिज्म को एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द कंट्री प्रेजेंट किया था। 1935 से जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर से ही काम किया था, ठीक है,
लेकिन दिसंबर 1941 में वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, और जब कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे नाजी जर्मनी के अगेंस्ट, तो नॉन कांग्रेस पार्टीज की तरह सीपीआई जो थे वो एक वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी थी, मतलब अच्छी खासी डेडिकेटेड कैडर थी उस टाइम पर, अच्छी खासी वेल फॉर्म्ड पार्टी थी, लेकिन इंडिपेंडेंस ने बहुत सारे वॉइसेस यू नो रेज करे थे पार्टी के अंदर से। बेसिक क्वेश्चन जो कि पार्टी को ट्रबल दे रही थी वो था कि इंडियन इंडिपेंडेंस का नेचर कैसे होना चाहिए, मतलब क्या एक्चुअली में इंडिया फ्री होगा या फ्रीडम सिर्फ एक शैम था। इंडिपेंडेंस के सून बाद ही, मतलब इंडिपेंडेंस के जल्द बाद ही पार्टी ने सोचा कि अब अपनी पावर को यू नो 1947 में द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वाज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस, तो मतलब पार्टी ने ये डिसाइड करा मेजॉरिटी पार्टी के अंदर कि 1947 में जो हमको ये इंडिपेंडेंस मिली थी ये ट्रू ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था, और इस वजह से तेलंगाना में बहुत ही वायलेंट अपराइजिंग्स हुए। जो कम्युनिस्ट थे वो जनरल पॉपुलर सपोर्ट, ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट को जनरेट नहीं कर पाए, उनकी पोजिशन जो थी वो क्रश करी गई थी आर्म फोर्सेज के थ्रू। इसने इनको फोर्स कर दिया कि वो अपनी पोजीशन को रीथिंक करें। 1951 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उन्होंने वायलेंट रेवोल्यूशन का पाथ को छोड़ा और सोचा कि अब उन्हें जनरल इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाहिए। तो पहले जनरल इलेक्शन में सीपीआई जो थी वो 16 सीट्स जीती थी और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इमर्ज हुई थी। सोचिए आप, 16 सीट्स पे वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी। पार्टी ने यू नो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जैसे कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में के कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में ज़्यादा सपोर्ट जीता था। ए के गोपालन, एस ए दांगे, ई एम एस नंबूरीडीपत, पी सी जोशी, अजय घोष और पी सुंदर्य जो थे वो इसके नोटेबल लीडर्स थे। पार्टी जो थी वो उसमें बहुत मेजर स्प्लिट हुआ था 1964 में, एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट था सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में, तो उसी तरीके से जो प्रो सोवियत फैक्शन था वो सीपीआई में रहा और जो प्रो चाइना फैक्शन था वो सीपीआई एम में जुड़ गया। तो ये दोनों पार्टी जो है वो आज तक एग्जिस्ट करती है। ए के गोपालन कम्युनिस्ट लीडर थे केरला से, कांग्रेस के साथ यू नो इनिशियली उन्होंने साथ मिलकर वर्क किया था, कम्युनिस्ट पार्टी को 1939 में ज्वाइन करा था। जब कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट हुआ था 1964 में तो उन्होंने सीपीआईएम को ज्वाइन कर लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ओके एम का मतलब मार्क्सिस्ट, और पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए तरफ काम करा था, रिस्पेक्टेड एज अ पार्लियामेंटेरियन थे और पार्लियामेंट के मेंबर थे 1952 से। तो इसमें से कुछ जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर जो है वो कांग्रेस से अलग हुई और ओपोजिशन पार्टीज बनी। तो हम यहाँ पर थे कि बहुत सारी पार्टीज जो थी वो कांग्रेस के अंदर ही उनको अलाउंस था कि आप एग्जिस्ट कर सकते हो अपनी खुद की पार्टी की तरह। तो इनमें से ही कुछ पार्टी जो थी वो ऑपोजिशन में निकल के आई थी कांग्रेस पार्टी से, जैसे सोशलिस्ट पार्टी जो थी। तो भले ही इनके मेथड्स और इसके बीच में डिफरेंसेस था, कुछ प्रोग्राम्स के बीच में डिफरेंसेस था, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो थी वो अपनी पार्टी, मतलब यू नो जो मैनेज टू कंटेन इफ नॉट रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड बिल्ड अ कंसेंसस, मतलब पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग लोग थे लेकिन फिर भी कांग्रेस टाइम टू टाइम मैनेज कर पाया था कि वो पार्टी के अंदर ही जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स उसको रिजॉल्व कर ले। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस, ये जो कोलिशन लाइक कैरेक्टर था ना कांग्रेस का, इसने इसको एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ दी थी, क्योंकि सबसे पहले तो एक कोलिशन जो होता है वो हर किसी को अकोमोडेट कर लेता है जो भी उसको ज्वाइन करना चाहता है। तो इस वजह से कांग्रेस में कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं था, एक बैलेंस था, क्योंकि हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग थे तो हर इशू के ऊपर कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहा था, वो उसमें एक बैलेंस था। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस जो थे वो कोलिशन के हॉलमार्क होते हैं, मतलब पार्टी के अंदर इतनी पावर थी कांग्रेस के टाइम पर उस टाइम की, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, हर चीज़ को इंक्लूसिव अपने अंदर यू नो ले सके। ये स्ट्रैटेजी जो थी इस वजह से ऑपोजिशन बहुत डिफिकल्टी में पड़ गई थी, क्योंकि जो कुछ भी ऑपोजिशन कहना चाहती थी वो ऑलरेडी कांग्रेस की प्रोग्राम और आइडियोलॉजी में एक हिस्सा बन चुकी थी। सेकेंड पार्ट जो थी, पार्टी का नेचर अगर कोलिशन का होता है तो एक ग्रेटर टॉलरेंस होता है इंटरनल डिफरेंसेस का, मतलब जो अलग अलग लीडर्स हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो बाय कंसेंसस, बाय डिस्कशन कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाता है। तो कांग्रेस ने यू नो शुरू के टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल पर ये दोनों चीज़ें करी और इसको कंटिन्यू रखा। इसीलिए अगर कोई ग्रुप पार्टी के, मतलब कोई ग्रुप जो पार्टी से हैप्पी नहीं थी, उसकी क्या पोजीशन थी पार्टी में, तो वो पार्टी छोड़ के नहीं जाती थी, वो पार्टी के अंदर ही रहती थी और अपनी यू नो पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी या लोगों से फाइट कर, मतलब वो फाइटिंग वगैरह जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंसेस उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती थी, लेकिन पार्टी के अंदर रह के ही करती थी। ऐसा नहीं कि पार्टी से निकल के अलग पार्टी बना दी। तो इस वजह से हुआ क्या कि वो पार्टी के अंदर रह के ही ओपोजिशन का काम करने लगी थी, मतलब अंदर ही ऑपोजिशन बन गया था, बाहर का ऑपोजिशन का कोई काम कहीं नहीं था।
ये जो ग्रुप्स थे पार्टी के अंदर, इनको कहा जाता है फैक्शंस। जो कोलिशनल नेचर होता था कांग्रेस पार्टी का, इसने इन सभी फैक्शंस को टॉलरेट किया था। इनमें से कुछ फैक्शन जो थे वो कि ऐसी आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन के ऊपर बेस्ड थे जिसमें बहुत ही अलग थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे एक दूसरे से, और ये जो थे वो पर्सनल एम्बिशन, राइवलरीज, इन सब के ऊपर बेस्ड थे। तो ये फैक्शन का जो काम है ये एक वीकनेस बनने की बजाय, ये जो इंटरनल फैक्शनिज्म था ये वीकनेस बनने की बजाय पार्टी की एक स्ट्रेंथ बन गई कांग्रेस की। तो इस वजह से, क्योंकि पार्टी में हर एक फैक्शन के लिए जगह थी, तो इसका मतलब था कि जो भी रीजन लीडर्स थे जो अलग अलग इंटरेस्ट को, आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कांग्रेस में ही रहते थे एक नई पार्टी फॉर्म करने की बजाय। इसमें से बहुत सारे स्टेट यूनिट्स जो कांग्रेस के थे वो न्यूमरस फैक्शंस के बने हुए थे। इन फैक्शंस ने अलग अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशंस ली टाइम टू टाइम, जिससे कांग्रेस एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी की तरह अपीयर कर रही थी कि यार कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांग्रेस के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगी। बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने अटेम्प्ट करा था कि इन फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करे बाहर से ही और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे मार्जिन से ही। तो लेकिन ऑफकोर्स वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन एक्चुअल में अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, अपोजिशन की जो अथॉरिटी है वो तो वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रही थी, उसके पास चॉइस ही नहीं थी। तो उसके कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था रूलिंग पार्टी के लिए, क्योंकि अपोजिशन तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, रूलिंग पार्टी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उसके लिए। इंस्टेड वो और भी क्या ऐड करती थी पार्टी में, और ज़्यादा एडवांटेज के लिए थी पार्टी के लिए, क्योंकि वो उसको प्रेशराइज करती थी, क्रिटिसाइज करी थी कि कांग्रेस पार्टी दिन पे दिन और ज़्यादा बेटर होता जाए। तो ये जो सिस्टम ऑफ फैक्शंस है उसने एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह काम किया रूलिंग पार्टी के अंदर से। ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो था वो कांग्रेस के अंदर से ही होता था, बाहर के अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको तो बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता था। इस सेंस में जो फर्स्ट डेकेड था इलेक्टोरल कंपटीशन था, इसमें कांग्रेस दोनों रूलिंग पार्टी भी थी और अपोजिशन भी थी। इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स के इस पीरियड को कांग्रेस सिस्टम की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। भारतीय जनता संघ जो थी वो 1951 में फॉर्म हुई थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। इसकी लीनिएज जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक हम ट्रेस बैक कर सकते हैं, और हिंदू महासभा तक ट्रेस बैक कर सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। जो जनसंघ है वो अदर बाकी पार्टी से डिफरेंट है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी और प्रोग्राम, क्योंकि इसने एक कंट्री, एक कल्चर, एक नेशन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करा है कि, और बिलीव करा है कि कंट्री जो है वो मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और स्ट्रांग तभी बन सकती है जब वो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस पे ध्यान दें। इस पार्टी ने इंडिया और पाकिस्तान के रियूनियन पे फोकस किया है और कहा अखंड भारत के लिए कॉल करा। ये पार्टी जो थी वो फोरफ्रंट में थी क्योंकि ये चाहती थी कि इंग्लिश को हिंदी के साथ रिप्लेस कर दिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसने कंसेशंस भी जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को दी थी उसके भी ऑपोजिशन में थी कि इस तरीके से हमें कंसेशंस नहीं देने चाहिए माइनॉरिटीज़ को। ये पार्टी जो थी ये कंसिस्टेंट एडवोकेट थी इंडिया की कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहिए, स्पेशली जब चाइना ने एटॉमिक टेस्ट करे 1964 में, तो ये पार्टी भी कहती थी कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहिए। 1950s में जनसंघ जो थी वो मार्जिन्स में ही रहती थी, ज़्यादा उसका मेन रोल नहीं था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और सिर्फ 3 लोकसभा सीट सिक्योर कर पाई थी वो 1942 में, और 1952 में 4 लोकसभा सीट सिक्योर कर पाई थी लोकसभा में। तो उसके अर्ली ईयर्स में सपोर्ट जो था वो मेनली उसको अर्बन एरियाज से मिला था, हिंदी स्पीकिंग स्टेट से मिला था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। पार्टी के जो लीडर थे इसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक थे। भारतीय जनता पार्टी जो थी वो भारतीय जनसंघ में से ही निकली थी। दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो फुल टाइम आरएसएस वर्कर थे 1942 से। भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर भी थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और फिर बाद में भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी बने, और वो उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की पॉलिसी को इनिशिएट करा। इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, उसके जैसे कि हमने पहले देखा कि वो इंडिया है जिसके अंदर, इट इज़ नॉट दैट इंडिया, मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि इंडिया के पास ऑपोजिशन पार्टीज नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ही जो थी वो खुद ऑपोजिशन का काम करती थी, तो ऑपोजिशन पार्टीज जो थी उसका बहुत ज़्यादा रोल बचता नहीं था। तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर ही कितनी सारी पार्टीज थी उस टाइम पे भी। इंडिया जो थी उसमें बहुत सारी और वाइब्रेंट और डाइवर्स ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, और बहुत सारी जो थी वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज में भी, मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज से भी ज़्यादा ऑपोजिशन पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। इनमें से कुछ जो थी वो जनरल इलेक्शन 1952 के पहले ही, जस्ट पहले एग्जिस्टेंस में आई थी। इनमें से कुछ पार्टीज जो थी उन्होंने 60s और 70s में इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी कहीं ना कहीं इसके रूट्स जो थे वो पार्टी से ही बाहर निकल कर आए थे।
कांग्रेस पार्टी, मतलब आज की जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज है जो एग्जिस्ट कर रही है, उनके रूट्स कहीं ना कहीं 1950s के जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे ही बाहर निकल कर आई थी। ये जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी ये सिर्फ छोटा बहुत रिप्रेजेंटेशन, टोकन रिप्रेजेंटेशन गेन कर पाई थी लोकसभा में, लेकिन फिर भी उनका इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एंड वो इम्पोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट थी, इनका एक क्रूशियल रोल था क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन रखा था। ये पार्टीज ने एक सस्टेंड और ऑफन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म दिया था पार्टी पॉलिसीज़ के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जो उसकी पॉलिसीज़ थी, इस वजह से रूलिंग पार्टी अंडर चेक रही थी और अपने बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहा था अपोजिशन पार्टीज़ की वजह से। तो उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव को अलाइव रखा था, जिंदा रखा था। ये पार्टी जो थी इसने सिस्टम के अंदर रिजेंटमेंट होने से बचाया था और इसको एंटी डेमोक्रेटिक होने से बचाया था कि कांग्रेस तो पावर में थी, वो रूलिंग थी तो वो जो चाहे कर सकती थी, एंटी डेमोक्रेटिक बन सकती थी, लेकिन ये अपोजिशन पार्टीज़ थी जिसने उसको चेक में रखा था कि एंटी डेमोक्रेटिक नेचर ना आ पाए। ये पार्टीज जो थी इन्होंने अपने लीडर्स को ग्रूम भी करा था जो कि कंट्री के शेपिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे शुरू के कुछ सालों में। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं स्वतंत्र पार्टी, पहले ये देख लेते हैं टग ऑफ वॉर 29 अगस्त 1954। ये कार्टूनिस्ट इंप्रेशन है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कि ऑपोजिशन पार्टीज़ की क्या स्ट्रेंथ थी। देखिए इतने सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ और ये सब इनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ट्री के ऊपर हमें बैठे हुए दिख रहे हैं नेहरू और उनके कलीग्स। तो जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनमें ए के गोपालन, आचार्य कृपलानी, एन सी चैटर्जी, श्रीकांत नायर और सरदार हुकुम सिंह एंड सो ऑन। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी यानी रूलिंग पार्टी का टॉपल गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो पार्टी है वो ऑलरेडी खुद काफ़ी स्ट्रांग है, भारी है। तो दोनों तरफ से देखिए खिंचाव जो है वो किस तरीके से, ये अलग अलग पार्टीज और ये सभी एक है, तो ये उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक टग ऑफ वॉर था अपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस पार्टी के बीच में, रूलिंग पार्टी के बीच में। स्वतंत्र पार्टी जो थी वो अगस्त 1959 में फॉर्म हुई थी जब कांग्रेस का नागपुर रेजोल्यूशन हुआ था जिसमें उन्होंने लैंड सीलिंग्स के लिए कॉल करा था कि वो फूड ग्रेन ट्रेड को टेक ओवर करे बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो उस टाइम पे स्वतंत्र पार्टी एक अलग ही फॉर्म हो गई थी। जो पार्टी थी वो एक ओल्ड कांग्रेसमैन की तरह लीड करी जा रही थी, सी गोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी। ये पार्टी जो थी वो अदर्स से इसलिए ऐसे अलग थी क्योंकि इसकी पोजिशन इकोनॉमिक इशूज़ को लेकर बाकी पार्टी से बहुत डिफरेंट थी। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि गवर्नमेंट जो है वो लेस और लेस इकोनॉमी को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व हो, मतलब एक तरीके से कैपिटलिज्म। वो बिलीव करती थी कि प्रॉस्पेरिटी तभी आ सकती है जब इंडिविजुअल फ्रीडम हो इकोनॉमिक्स में। तो ये ज़रूरी था कि मतलब उनके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी था डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में कि स्टेट इंटरवेंशन जो इकोनॉमी में, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में और नेशनलाइजेशन में कम से कम हो। इंस्टेड उसका मतलब उसका फेवर वो यही फेवर कर रही थी कि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन हो। स्वतंत्र पार्टी जो थी वो लैंड सीलिंग्स एंड एग्रीकल्चर के अगेंस्ट थी और उसने कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी और स्टेट ट्रेडिंग को भी अपोज किया था। उसने प्रोग्रेसिव टैक्स रजीम को भी अपोज किया था और उसने डिमांड किया था कि डिसमेंटलिंग की लाइसेंसिंग रजीम को डिसमेंटल किया जाए। तो ये क्रिटिकल था, ये ज़रूरी था पॉलिसी का नॉन अलाइनमेंट की कि वो फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखे सोवियत यूनियन से और क्लोजर टाइज को, मतलब वो क्रिटिकल थी। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि रशिया सोवियत यूनियन से ज़्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा क्लोजर रिलेशंस रखने चाहिए। तो स्वतंत्र पार्टी थी उसने तभी स्ट्रेंथ गेन करी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जब उसने बाकी रीजनल पार्टीज के साथ मर्ज करा, अपने इंटरेस्ट को उनके साथ मर्ज करा। तो उसने लैंडलॉर्ड्स और प्रिंसेस जो कि अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, स्टेटस को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जो कि लैंड फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन से थ्रेटन हो रहे थे, उनका सपोर्ट इनको मिला। जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास थे जो कि नेशनलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग एंड लाइसेंसिंग पॉलिसीज के अगेंस्ट थे, उन्होंने भी स्वतंत्र पार्टी को सपोर्ट करा। इसका सोशल बेस बहुत ही नैरो था, इस वजह से ये बहुत ही डेडिकेटेड कैडर नहीं बन पाया और इसके पार्टी मेंबर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल वर्क नहीं बिल्ड कर पाए। सी राजगोपालाचारी एक सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, एक लिटरेरी राइटर थे, महात्मा गांधी के बहुत ही खास एसोसिएट थे, क्लोज एसोसिएट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, फर्स्ट इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, ये यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर थे, बाद में मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने थे, भारत रत्न अवार्ड के सबसे पहले रेसिपिएंट थे, स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर थे। अर्ली ईयर्स में पहले जो होता था शुरुआत में कांग्रेस और अपोजिशन के पार्टी लीडर्स के बीच में बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था। ऐसे नहीं कि आज की तरह जैसे वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं झूठे झूठे इल्ज़ाम तरीके से, इस तरीके से पहले नहीं होता था। दोनों लीडर्स के बीच में काफ़ी रिस्पेक्ट होता था।
जो इंटरिम गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी कंट्री को, उन्होंने डिक्लेयर, जब यू नो जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उसमें अपोजिशन लीडर्स जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर और श्याम प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट में थे, इंटरिम गवर्नमेंट में. जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा से जयप्रकाश नारायण और सोशलिस्ट पार्टी के लिए अपनी फॉन्डनेस बताई थी, जबकि सोशलिस्ट पार्टी उसके अपोजिशन में थी, लेकिन फिर भी उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी. वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश नारायण को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे. तो इस तरीके से एक पर्सनल रिलेशनशिप था, रिस्पेक्ट थी पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में. ये चीज़ जो थी, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता गया, ये चीज़ जो थी वो कम होती गई. टंडन्स इलेक्शन इज कंसिडर्ड बाई कांग्रेस मेंबर्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई प्रेजेंस इन द गवर्नमेंट और द कांग्रेस. आई हैव कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड माई यूटिलिटी बोथ इन द कांग्रेस एंड गवर्नमेंट. ये जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखा था राजा जी को, क्योंकि वो टंडन का एज कांग्रेस प्रेजिडेंट इलेक्ट कर रहे थे उनकी विशेष के अगेंस्ट. ये जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिखा था. ये देखिए नेहरू की कैबिनेट आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी गवर्नर जनरल इन 1948. लेफ्ट टू राइट कैसे बैठे हुए हैं, ये है रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, मिस्टर जॉन मथई एंड जगजीवन राम. ऊपर लेफ्ट टू राइट जो बैठे हैं वो है मिस्टर गड़गिल, मिस्टर नियोगी, डॉक्टर अंबेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मिस्टर गोपाल स्वामी अयंगर एंड मिस्टर जयराम दास दौलतराम. तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कंट्री में जो पहला फेज था वो काफ़ी यूनिक था. इसका यू नो नेशनल मूवमेंट की लेगेसी कांग्रेस ने इनहेरिट करी थी, उसका इंक्लूसिव नेचर था, जिस वजह से बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस ग्रुप्स जो थे वो कांग्रेस की तरफ अट्रैक्टेड थे, और वो कांग्रेस का सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन जो था, जो बेस था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. कांग्रेस ने की रोल प्ले करा था फ्रीडम स्ट्रगल में, और इस वजह से उसको एक हेड स्टार्ट मिला था बाकी पार्टीज़ के कंपैरिजन में. ये कांग्रेस की एबिलिटी थी कि अलग अलग लोगों के एस्पिरेंट्स को, इंटरेस्ट को अपनी पार्टी के अंदर यू नो इम्बाइब कर सके, अकोमोडेट कर सके, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो था वो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो रहा था या फिर राइज भी हो सकता था. बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी धीरे धीरे करके फिर कांग्रेस की कम होती गई इंपॉर्टेंस और पावर, और धीरे धीरे करके बाकी पार्टीज जो है वो नॉन कांग्रेस पार्टीज ने डोमिनेंस गेन करना शुरू कर दिया था. तो कांग्रेस डोमिनेंस जो था वो सिर्फ एक फेज ऑफ पॉलिटिक्स इन कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है. हम बाकी फेजेस में जिसमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस कम होते जाता है उसको आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. पार्टी कंपटीशन इन बिहार विलेज, जब दो बैल लड़ते हैं ना तो उनके नीचे की घास क्रश होती है. कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टीज एक दूसरे से लड़ रहे थे और दोनों जो है वो नए मेंबर्स को सीख कर रहे थे, तो जो गरीब लोग थे वो इस चीज़ का ग्राउंड बनने वाले हैं इन दोनों के बीच में, दोनों उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम आने वाली है. नो द पुअर पीपल वोंट बी क्रश्ड, इन फैक्ट दे विल बेनिफिट, वो समवंस रिप्लाई. तो ये इसका इसके ऊपर किसी का रिप्लाई था कि अरे अरे उनके साथ कुछ वो नहीं होगा, वो तो और बेनिफिट होंगे, क्योंकि एक पार्टी अकेले कुछ नहीं करती है, दो पार्टियाँ उससे ज़्यादा जब कंपटीशन होती है, राइवलरी होती है, तब एक पार्टी कुछ अचीव करती है ताकि दूसरी पार्टी को चुप करा सके, हरा सके. द न्यूज़ ऑफ सोशलिस्ट पार्टी मीटिंग हैड एजिटेटेड द संथल्स. द न्यूज़ ऑफ द ओपनिंग ऑफ द हॉस्पिटल हैडंट मेड मच इंप्रेशन ऑन देम, नॉट डिड दे एवर बॉदर मच अबाउट द फाइट्स एंड क्वारल्स और द फ्रेंडली गैदरिंग्स ऑफ द विलेजर्स, बट दिस मीटिंग वॉज फॉर द टिलर्स ऑफ द सॉइल. टू हूम डज द लैंड बिलोंग? टू द टिलर. ही हु टिल्स विल सो, he who sows will harvest, he who works will eat, come what may, Kalicharan lectured. There was turmoil in the district office of Congress party too. ये socialist party की meeting थी, अब Congress party की meeting है. They were about to elect a party chairman. There were four candidates, two real contenders and two dummy candidates. It was a contest between Rajputs and Bhumihars. The wealthy businessmen and Jamindars from both the castes were cruising all over the district in their motor cars, campaigning. All kinds of mudslinging was going on between them. The sate who owned the Katihar cotton mill was representing the Bhumihar party, and the owner of Farbigang jute mill was representing the Rajputs. You should see the money they are flashing around. ये है फनीश रनवत रेणू के नॉवल माइला अंचल से एक एक्सर्प्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है. ये नॉवल जो है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सेट है, नॉर्थ ईस्ट बिहार में, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. श्याम प्रसाद मुखर्जी ही हिंदू महासभा के लीडर थे, भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, नेहरू के पहले कैबिनेट में मिनिस्टर थे. 1950 में इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन को लेकर वो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ में थे. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, बाद में सबसे पहले लोकसभा थे जिन्होंने इंडिया की पॉलिसी
ऑन ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपोज किया था जनसंघ के एजिटेशन के टाइम पे, जो कश्मीर पॉलिसी के अगेंस्ट जो एजिटेशन थी उस टाइम पे वो अरेस्ट किए गए थे और डिटेंशन के टाइम इनकी डिटेंशन के टाइम इनकी डेथ हो गई थी. सो विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर.